हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे बजाज ऑटो के रिलेटेड यहाँ पे एक बायबैक का अपडेट है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बजाज ऑटो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बजाज ऑटो की बोर्ड मीटिंग होने वाली है 14 जून को, यानी कि ये जो आने वाली 14 जून है, आज 9 जून है, यानी कि 4 से 5 दिन में ये मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग बायबैक, यानी कि बायबैक से रिलेटेड वहाँ पे बोर्ड मीट है। तो जनरली जब भी ये बोर्ड मीटिंग का अपडेट आता है तो वहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है और बायबैक वहाँ पे होता ही है, जब भी बायबैक से रिलेटेड वहाँ पे मीटिंग होती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर यहाँ पे कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो जनरली लगभग जो मार्केट प्राइस चल रहा होता है उसके अगेंस्ट में 10% के ज़्यादा प्रीमियम पे बायबैक का प्राइस आता है। तो अगर हम देखेंगे अभी लगभग 3,800-900 रुपये के लगभग ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो लगभग हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 400 रुपये के प्रीमियम पे ये बायबैक आएगा, यानी कि लगभग 4,300 रुपये या उसके ऊपर हमें बायबैक का प्राइस आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, यहाँ पे बजाज ऑटो ने ऐसा बोला था कि उनके जो 40 से 50% के उनके जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स होंगे वो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में देगी। तो आपको पता होना चाहिए कि बायबैक भी एक तरीके का डिविडेंड डिक्लेरेशन ही होता है, लेकिन वो एक अलग वे में होता है। तो उसमें डेफिनेटली मेरे ख्याल से बायबैक ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का EPS होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं तो वो जनरली यहाँ पे निकल जाते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे बच जाते हैं। और मार्केट में जो सप्लाई होता है वो भी कम हो जाता है, तो आने वाले टाइम पे थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी कंपनी का स्टॉक ट्रेड होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो इनका ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई से ज़्यादा प्राइस पर यहाँ पे बाई का प्राइस कंपनी का आएगा। तो डेफिनेटली बजाज ऑटो ये जो स्टॉक है आपके रडार पे होना चाहिए और आपने क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, पूरे ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो मोस्टली जो भी व्हीकल्स होती है वो लोन पे जाती है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर लोन पे व्हीकल जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी डिमांड वहाँ पे व्हीकल्स की कम हो सकती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा रिस्कीनेस रह सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि बजाज ऑटो का ये जो अपडेट हमने आपको दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।